Today we are going to discuss the seven emergent trends in early childhood education so the world over people are thinking and rethinking about how we can train how we can teach our early ch early children so one of them is the increased recognition of the importance of early childhood education अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की अहमियत को जितना अब महसूस किया जा रहा है इतना पहले महसूस नहीं किया जाता था बच्चे के बारे में यह समझा जाता था कि वो खुद ही जब बड़ा होगा तो सीख जाएगा अभी तो वो उसके लिए कोई चीज़ इतनी अहमियत नहीं रखती या शायद वो लर्न ही नहीं कर रहा तो अब चूंकि लोगों को ये पता चला है कि जो पूरी पूरी जिंदगी का इहसार बच्चों की इब्तदाई तालीम के ऊपर और इब्तदाई तरबियत के ऊपर है उसके बाद से इसके बारे में बहुत सी थेरीज भी सामने आ रही हैं और बहुत से इसके ऊपर इकदाम भी किए जा रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से ज़्यादा उनके ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है फिर एक तो ये कि जो असेसमेंट का प्रोसेस था हमारा उसको भी रिविज़िट किया जा रहा है पहले जैसे हम अर्ज कर रहे हैं कि कोई टेस्ट थे कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट थे जिनके थ्रू बच्चों को चेक किया जाता था असेस किया जाता था या स्कूल में टेस्ट हैं या टीचर में टेस्ट हैं और उन टेस्टों के ज़रिए बच्चों के अंदर एंगजाइटी पैदा होती है वो उसको उस वक्त परफॉर्म ही नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर बच्चा थका हुआ है उसका मूड नहीं है उसको कोई और परेशानी है और आप सब समझते हैं कि बहुत छोटा बच्चा जो है जिसका अटेंशन स्पेन ही इतना कम होता है वो कैसे पूरे पर्चे के ऊपर सोच समझ के लिख सकता है तो ये मुमकिन नहीं है कि इतने छोटे बच्चे को इतनी हार्ड असेसमेंट जो है वो शुरू में दी जाए तो सब ने यह सोचा है कि बच्चों की असेसमेंट के लिए अलग से कुछ चीज़ें होनी चाहिए फिर ये कि बच्चों की जो ग्रोथ है वो उसका एक पैटर्न है और वो थ्रू आउट वक्त के साथ, साथ साथ होती है शुरू के दिनों में उसकी रफ़्तार बहुत तेज़ है और आने वाले दिनों में फिर वो बल्कि कम होती चली जाती है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी नशो नुमा की रफ़्तार पहले से कम होती है फिर हम देखते हैं इसी वजह से फिज़िकल फिटनेस जो है उसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया है देखिए आप एकेडमिक्स के ऊपर जोर दे सकते हैं आप उनका सिलेबस बढ़ा सकते हैं आप उनका करिकुलम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं लेकिन उनकी फ़िज़िकल फिटनेस को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अगर बच्चा सेहतमंद ही नहीं होगा उसकी मसल ब्रेन कोऑर्डिनेशन नहीं होगी वो चल फिर नहीं सकता वो खेल नहीं सकता तो ऐसी सूरत में कुछ भी मुमकिन नहीं इसलिए बच्चों की जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं जो उनकी फिज़िकल फिटनेस है जिसमें भाग दौड़ खेल ये सारी चीज़ें शामिल हैं इसको पहले से ज़्यादा तोज् दी जा रही है और बाकायदा स्कूलों के निसाब में उनके करिकुलम में शामिल किया जा रहा है फिर देखिए जो हमारी नई सदी है इक्कीसवीं सदी इसमें टेक्नोलॉजी का एक तूफ़ान एक रेवोल्यूशन आ चुका है तो बच्चों के लिए भी ज़ाहिर है बहुत कुछ ऐसा है कि बड़ी रिस्ट्रैक्शन हैं तो अब यह कि सारे लोग इस पर मुतफ़ हैं कि इस बात पे बाकायदा सोचा जाना चाहिए कि बच्चों को हम किस तरह से बेहतर टेक्नोलॉजी से रोशनास करा सकते हैं और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी की शक्लें हों जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे और वो इसके नुकसान से बच जाएं। फिर इंक्रीज डिमांड फॉर टीचर्स टू हैव मोर क्वालिफिकेशंस। देखिए अगर हमें ये सारी चीज़ें बेहतर करनी हैं इनको रिविज़िट करना है कि जो पहले हो रहा था उससे अच्छा करना है तो इस की तरबियत भी उतनी ही ज़रूरी है इसलिए ये कहा गया है कि इस को बेहतर क्वालिफाइड होना चाहिए जब एक टाइम था डेकेट्स थे कुछ पाकिस्तान में पहले चालीस पचास साल तक कोई ऐसी शर्त नहीं थी कि भाई जो इब्तदाई तालीम है या इसी सी की एजुकेशन है उसके लिए भी इस कोई ट्रेनिंग या तरबियत दी जाए लेकिन अब ऐसा नहीं है ठीक है अब इसके लिए बहुत से आ, जो है वो कैडर्स हैं वो ऑनर्स के भी प्रोग्राम हैं और मास्टर्स के भी प्रोग्राम हैं जहाँ अर्ली चाइल्डहुड की खास तौर पे तलीम दी जाती है फिर ये कि अब देखिए जो चेंजिंग डेमोग्राफिक्स हैं हमारे ऐसा था कि एक दौर था जब लोग जो थे वो इतना उनका क्लास डिस्टिंगशन नहीं था या अब क्लास डिस्टिंगशन बढ़ रही है दुनिया ग्लोबल हो रही है और लोग जो हैं वो चूँकि बहुत से पोलिटिकल इशूज़ ऐसे हैं कि अमीर गरीब का फ़र्क बढ़ता जा रहा है या जो रिमोट एरियाज़ में थे उनको बिल्कुल सहूलियात मैसर नहीं और जहाँ पे हब्स थी सिटीज़ थे वहाँ बहुत ज़्यादा सहूलियत आ गई तो वो डिजिटल डिवाइड भी एक बन गई कोई टेक्नोलॉजी की बेसिस पे एक दूसरे से अलग है कोई रुपए पैसे की बुनियाद पे एक दूसरे से अलग है और फिर कोई कल्चर के बेसिस पे एक दूसरे से अलग है तो हम ये कह रहे हैं कि हम इन सारे डेमोग्राफिक्स को इन सारे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंडस को देखते हुए बच्चों के ऊपर बेहतर बेहतर तोज्जो दें और उनके अपने कॉन्टेक्ट्स के मुताबिक उनकी तालीम और तरबियत पर तोज्जो दें और उसके लिए मुनासिब टीचिंग अप्रोचेज़ जो हैं वो इस्तेमाल की जाए